हेलो फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर की एक शानदार कंपनी जिस पे बड़ा अपडेट आया है वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। कंपनी का नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज़। और उसके पहले आपको बता दूँ कि मैं जैकपॉट स्टॉक आपको बताता हूँ वीक में एक या दो बार, जो कि आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स देंगे शॉर्ट टर्म में। आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, मेरी जो सुपर इन्वेस्टर की प्लेलिस्ट है जैकपॉट शेयर्स की, आप सब शेयर्स का चेक कर लीजिए कि मैंने रिकमेंड किया था उसके बाद में जब का प्राइस और अभी का प्राइस कितना है। तो मल्टी बैग रिटर्न्स दिए हैं जैकपॉट शेयर्स ने, तो उन पर आप नज़र बना के रखिए। मैं जब भी जैकपॉट शेयर के नाम से आपको वीडियो डालूंगा, आप उसको ज़रूर बाय करना, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। आइए बात करते हैं जेंसर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इसका आज का क्लोजिंग था 495 एंड 52 भी कहा था 587 का। इनके क्लाइंट्स USA, UK, यूरोप और अफ्रीका में भी है और वहाँ पर इनके ऑफिस भी है। ये संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, RPG ग्रुप की, जो CZ टायर्स और FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है वो ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। इनका मेन जो ये जो काम करती है वो है IT में एप्लीकेशन मैनेजमेंट और इंफ्रा मैनेजमेंट, उसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में भी इनके क्लाइंट्स हैं। इसका PE है 28 का, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। EPS इज 19, जो कि बहुत ही अच्छा है लुकिंग एट द रेट। और डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.13, डेट कंपनी पे करीब करीब नई के बराबर है। ROCE is 22%, that is excellent, and ROE is 15%, that is also very good. Promoters holding की बात करें तो promoters के पास है 49%, that is very comfortable. FII के पास है बहुत ज़्यादा 16%, और DII के पास उससे भी ज़्यादा है 21%. तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा होल्डिंग DII FII ने इस कंपनी में बना के रखा हुआ है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2020 में प्रॉफिट था जीरो, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट होगी उनकी फाइनेंशियल, इसलिए उसमें कुछ प्रॉफिट दिखाया नहीं, पर लॉस तो नहीं था। बट जून 2021 में इसका प्रॉफिट था 101 करोड़, एंड सितंबर 2021 में वो हो गया 94 करोड़। और उसके पहले भी जो भी प्रॉफिट्स है 80 करोड़ से 100 करोड़ के ही रेंज में है, तो कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है। मैं आपको बिग अपडेट ये दे रहा हूँ कि इसका दिसंबर क्वार्टर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है 24 जनवरी को इसका दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो उसका आप सबको इंतज़ार होगा, मुझे भी इंतज़ार है, क्योंकि इसका जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन सितंबर क्वार्टर। और अगर ये 110 या 105 करोड़ रुपये आया तो ये शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यही कंपनी हमें आने वाले मार्च तक हो सकता है 1000 के लेवल पर दिखा दे। तो जो लोग IT सेक्टर के शेयर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, बाय करते हैं, वो थोड़े थोड़े शेयर्स हर गिरावट में एक्यूमेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जेंसर टेक्नोलॉजीज़ के, जो कि फंडामेंटली एक्सेलेंट है और लगातार ग्रोइंग कंपनी है। थैंक यू।